हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल के सचिव को रिजल्ट न जारी करने के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। रिजल्ट का डेट पहले अधीनस्थ सेवा चयनायोग के द्वारा घोषित किया गया था कि डेट में रिजल्ट जारी किया गया करा जाएगा, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन ने रिजल्ट जारी नहीं किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये आबकारी भर्ती, जी हां, आबकारी भर्ती 2016 के संबंध में है मित्रों। इसमें 5 लाख छात्रों का भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। 5 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में उपस्थिति दर्ज कराई थी। हम पूरी खबर आगे पढ़ेंगे। आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसके संबंध में अवमानना नोटिस जारी किया है, ऑफिशियली जारी किया है। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अधीनस्थ सेवा चैनल की पल पल की अपडेट आपको राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से लगातार मिलती रहे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से पूरी खबर विस्तार से। यहाँ से मित्रों हम लोग देख सकते हैं, आबकारी आरक्षी भर्ती यानी आबकारी सिपाही भर्ती 2016 UPSSC के सचिव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, इलाहाबाद न्यूज इन हिंदी। अब पूरी खबर यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। आबकारी आरक्षी भर्ती 2016 में स्क्रीन टेस्ट होने के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इस हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया था। जवाब में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतों की जांच चल रही है और अगस्त 2019 के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगस्त की बात छोड़िए, लगभग अब 2 महीने बाद यानी साल भर हो जाएंगे, रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए। आगे क्या खबर है देख सकते हैं। आज की खबर है, कोई अफवाह नहीं है। जून 11 की खबर है, 2020 की खबर है, शाम को 5:20 की खबर है। मुझे जैसे ही खबर प्राप्त हुई आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश किया। अब देख सकते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 की आबकारी अच्छी भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष अग्निहोत्री को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने आशुतोष दुबे व 8 अन्य की अवमानना याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि आबकारी आरक्षी भर्ती 2016 में स्क्रीन टेस्ट होने के बावजूद अब तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। इस हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया। सभा में सरकार को हाईकोर्ट को बताया कि शिकायतों की जांच चली है, अगस्त 2019 में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके सामने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। अब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, जिसके बाद आदेश का पालन नहीं किया गया और अवमानना याचिका दाखिल की गई। जस्टिस आलोक सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। सपा सरकार के दौरान आई हुई थी भर्ती, आपको पता होगा मित्रों कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समाजवादी पार्टी की सरकार में 25 सितंबर 2016 को आबकारी सिपाही की स्क्रीनिंग परीक्षा कराई थी। इसमें करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद इस परीक्षा में धांधली की शिकायतें होने के नाते सतर्कता जाँच यानी CBC की जाँच के आदेश दिए गए और सतर्कता जाँच में परीक्षा में धांधली की पुष्टि नहीं हुई थी। इस वजह से रिजल्ट जारी करने का आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने जारी किया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया मित्रों। और इसके संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा BDO भर्ती 2016 के संबंध में जो उनकी वेटिंग लिस्ट को लेकर के थी कि अभी तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई डिसीजन नहीं लिया था, ठीक उसी प्रकार देते हैं रिजल्ट को लेकर के आबकारी आरक्षी भर्ती 2016 के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार पुनः जो है अवमानना नोटिस जारी किया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के सचिव श्री आशुतोष अग्निहोत्री को। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को पहुंचाना जरूरी था मित्रों। तो ये खबर अच्छी लगी हो, खबर अच्छी या बुरी दोनों हो सकती है मित्रों, तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर जरूर करना भूलिए ना, जरूर शेयर करिएगा, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।